हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम आप सभी के बीच एक नया वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो का टॉपिक है दैनिक MDM का प्रपत्र कैसे भरें। ओके साथियों, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय साथियों, यहाँ पे दैनिक MDM मॉनिटरिंग का प्रपत्र है। प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा रोजाना 12 बजे दिन के पहले इसे भरना अनिवार्य है। ओके साथियों, चलिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है अपने जनशिक्षा केंद्र को नाम यहाँ पे चूज़ करना है। जनशिक्षा केंद्र का नाम हमने चूज़ कर लिया है हरबड़ो। अब शाला का नाम जो है यहाँ पे हम शाला का नाम भरेंगे PS बगैहा। और इसके बाद जो है शाला का डैश कोड डालेंगे। शाला का डैश कोड अपने आप डाल दीजिए। ये हमने शाला चूज़ कर लिया, शाला के डैश कोड डाल दिया। जानकारी भरने का दिनांक, अब यहाँ पे जानकारी भरने का दिनांक आ चुका है। शाला में MDM का कार्य करने वाली एजेंसी का नाम, अब यहाँ पे जो एजेंसी शाला के बच्चों को भोजन ग्रहण कराती है तो उस एजेंसी का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, उस एजेंसी का नाम। दुर्गा आदिवासी महिला स्व सहायता समूह बगैहा, ये एजेंसी का हमने नाम टाइप कर दिया। और यहाँ पे चूज करना है एजेंसी के नाम के द्वारा जो है खाना सही पकाया जाता है कि नहीं। क्या आज दिनांक को शाला में MDM बनाया गया? हाँ, हमने यहाँ पे चूज कर दिया। अब नेक्स्ट चूज पर जाएंगे। नेक्स्ट पे हमने चूज कर दिया, क्लिक कर दिया। अब दैनिक MDM मॉनिटरिंग का प्रपत्र जो है यहाँ पे आ गया है। यदि MDM बनाया गया है तो क्या मेनू का पालन किया गया? यहाँ पे दो ऑप्शन है, हाँ नहीं। यदि नहीं किया गया है तो नहीं पे क्लिक करें, यदि किया गया है तो हाँ पे क्लिक करें। तो चलिए इस पे हाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ MDM का पालन किया गया है। MDM में क्या क्या बनाया गया है? अब मध्यान्ह भोजन में क्या क्या बनाया गया है? तो आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन जो है पुलाव के साथ पकौड़े वाली कढ़ी तो यहाँ पे MDM में क्या क्या बनाया गया है? पुलाव के साथ पकौड़े वाली कढ़ी, भोजन की गुणवत्ता। या यहाँ भोजन गुणवत्ता में जो है अच्छी, सामान्य, खराब, यहाँ पे तीन प्रकार का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है अच्छी पे क्लिक करें, यदि अच्छी है तो सामान है तो सामान पे क्लिक करें, खराब है तो खराब पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हम अच्छी पे क्लिक करते हैं। आप भोजन के संबंध में अन्य टिप्पणी, तो यहाँ भोजन के संबंध में आप अपने टिप्पणी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम लिख देखते हैं, भोजन ग्रहण करने से पहले बच्चों को साबुन से हाथ धुलवाया जाता है। इसके बाद टाट पट्टी पर बैठाकर भोजन मंत्र वाचन के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है भोजन के संबंध में अन्य टिप्पणी। और भी लिख सकते हैं, रुचिकर और स्वादिष्ट भोजन मेनू के अनुसार साफ सफाई के साथ खिलाया जाता है। हमने यहाँ पे लिख दिया है, भोजन ग्रहण करने से पहले बच्चों को साबुन से हाथ धुलवाया जाता है। इसके बाद टाट पट्टी बैठा के भोजन मंत्र वाचन के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। रुचिकर स्वादिष्ट भोजन मेनू के अनुसार साफ सफाई के साथ खिलाया जाता है। ओके साथियों, अब यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे जो है
सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ गया है, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। ओके साथियों, तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।